अखिल भारतीय रविदासीय धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव महाराज जी 3 जून शनिवार को इंदौर आए हैं। वह यहां गुरु रविदास अनुयायी समिति द्वारकापुरी इंदौर के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ मैं इंदौर शहर में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में समाज के अनुयायियों से मिले। सुखदेव महाराज जी इंदौर एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे पहुंचे, जहां समिति के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे ग्राम मोरोद पहुंचे, जहां उनके स्वागत में भजनों का भी आयोजन किया गया था। यहां से वे बंगला अहिरखेड़ी स्थित रविदास धाम पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास जी की आरती कर परिसर में पौधारोपण किया, साथ ही वहां उपस्थित समस्त रविदास समाज जनों को संबोधित किया। इसके बाद इंदौर नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकल गए। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बारिश ज्यादा, तो इसको ऐसा अच्छा मौसम में आप ये करना और फिर आप उन लोग हमारे रामलाल जी संस्थापक अध्यक्ष हैं और इन्होंने ये जमीन ऐसा गर्मी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बारिश ज्यादा, तो इसको ऐसा अच्छा मौसम में आप ये करना और फिर रविदास जी कहते हैं ऐसा चाहो राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सब से रविदास रहे प्रसन्न। साथी हो आज मुझे इंदौर के अंदर ऐसे नगरी में आने को मौका मिला है, साथ साथ में अहिल्या बाई होलकर जी ये महाराष्ट्र की धरती से है और उनका बहुत महान कार्य है, मैं उस कार्य को भी नमन करता हूँ उनके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका शहर भी साफ सुथरा इसमें रहने में शायद 6 साल से इसका नंबर आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग अपने शहर को भी साफ सुथरा रख रहे हैं, तो ऐसा ही इंसान ने रहना चाहिए, क्योंकि अपने को अपने गुरु का संदेश है, मन चंगा तो मन को साफ सुथरा रखना है और अपने अगल बगल में भी साफ सुथरा रखना है, अड़ोस पड़ोस में भी अच्छे विचारों से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। आओ अपने गुरु रविदास के संदेश का पालन करो। मुझे खुशी हुई ये जो समिति है सदगुरु रविदास महाराज के नाम से बहुत अच्छा काम कर रही है। शायद मैंने सुना इन्होंने बच्चों के शादी के भी फंक्शन करते हैं, अगर बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं तो उनका भी सम्मान करते हैं, तो खुशी की बात है कि समाज की सेवा आप लोग कर रहे हैं। तो मैं ऐसा ही सदगुरु रविदास महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप लोग जो है ऐसे ही संग रहो और मिलजुल के रहो। आओ अपने गुरु की वाणी बहुत ऊंची है, सदगुरु रविदास महाराज के 52 राज्य शिष्य बने हैं, 52 राज्यों ने साधु संतों ने संतों में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी को पदवी दी गई है और राज्यों ने उनका संदेश पालन करके अपना जीवन और अपना राज ठीक तरह से संभाल कर जीवन भवसागर पार किया है। हम तो उनके वंशज है, उनके कुल के हैं, उनकी वाणी हमें धारण करने में कोई मन में दुजाभाव होना नहीं चाहिए, जो उन्होंने हमें संदेश दिए वो पालन करने चाहिए। आओ मिलजुल के अपने गुरु घरों में सवेरे शाम दर्शन करना चाहिए, आरती करना चाहिए, हर संध्या को यहाँ सत्संग होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए, अपने घर घर के अंदर भी गुरु महाराज की जहाँ तस्वीर है वहाँ पूजा पाठ रोज करनी चाहिए। जो भी कर्म, बिना कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म करना पड़ता है तब फल मिलता है,
ये संतों का मार्ग आपको अच्छे मार्ग जीवन के लिए ज्ञान देने का वो कार्य और कर्म करते हैं। हजारों साल से संत महापुरुष इस धरती पे आए, चरणों में नमन करता हूँ। और गुरु महाराज के आगमन से मेरे विचार से इंदौर में क्रांति, रविदास अनुयायी समाज के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और उस क्रांति के तहत जो उपजातियों में बटे हुए हमारा समाज है वो एक छत के नीचे आएगा। और आज गुरु महाराज के चरण यहाँ पर संत श्री रविदास सेवा समिति अहिरखेड़ी इंदौर में चरण वंदन करने का मौका मिला। ये सिटी में आने का धरती के ऊपर मौका मिला और यहाँ के जो गुरु रविदास समिति है, अन्याय समिति, तो अखिल भारतीय रविदासा धर्म संगठन के अंतर्गत वो समिति यहाँ का काम करती है। और उन्होंने मुझे यहाँ आज इस इंदौर में मेरे फंक्शन लगाए हैं, तो उनके द्वारा जहाँ जहाँ इस रविदासा समाज के अंदर जाने को मौका मिल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। सदगुरु रविदास जी का 646 साल पहले जन्म हुआ है। पूरे देश दुनिया में सदगुरु रविदास महाराज जी का बहुत ही तेज़ी से कारवा आगे बढ़ रहा है, तो मुझे खुशी हुई इंदौर के धरती के ऊपर मध्य प्रदेश में भी ये कारवा आगे बढ़ रहा है। ऐसा ही कारवा आगे बढ़े, मैं गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और जल्द से जल्द रविदासा लोगों को सदगुरु रविदास महाराज जी की सतवानी सती चारधारा समझे और उसको धारण करे, अंधे श्रद्धा कर्म कांडों से ये समाज हटे और सत परमात्मा के साथ जुड़कर प्रेम करे और अपने जीवन का उद्धार करके लिए, मुझे ऐसा इस संगत को संदेश देना है। मीडिया के माध्यम से आप लोग ये समाज को दिखाने का काम कर रहे हैं, आपके द्वारा पूरे देश दुनिया में खबर जाती है। मैं मीडिया का भी सम्मान करता हूं और आप लोगों को भी रविदासा धर्म के माध्यम से शुभकामनाएं बधाई देता हूं। देश है, सदगुरु रविदास जी ने हमारे कुल में जन्म लेकर 646 साल पहले बड़े बड़े राजे महाराजे लोगों को राज कैसा करना चाहिए संदेश दिया और उपदेश दिया और आपका राज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आपके राज के व्यवस्था समाज को कैसा उसका लाभ मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने राजाओं को संदेश दिया, ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संभसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो मुझे लग रहा है कि ये समाज तेज़ी से रविदास महाराज के विचारों से जुड़ रहा है। जब कोई समाज एक होता है, एकता होती है, तो उसमें परिवर्तन होता है। तो राजनीति में बहुत जल्द ये समाज का बड़े लेवल के ऊपर योगदान भी होगा और इस समाज को राजनीति में राज करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि इस देश में पांचवा हिस्सा हम लोग हैं, रविदास जी के वंशज 25 करोड़ लोग हैं, तो 25 करोड़ लोगों के हिसाब से हमारी भी भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। और सरकार, मुझे मध्य प्रदेश में बहुत जगह सुनने को मिला कि इस सरकार ने भी बहुत अच्छा मदद की है समाज को, तो करनी चाहिए, क्योंकि इनका भी हक सरकारी खजाना में है, तो पांचवा हिस्सा हमारा है। अगर सरकार कर रही है तो खुशी की बात है, इनको आगे बढ़कर और भी करना चाहिए। और नई पीढ़ी हमारी रविदासा लोगों को अपने देश के भविष्य के लिए राजनीति के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और सत्कर्म काम करने की ज़रूरत है, ठग काम करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु रविदास जी ने कहा, हाथ जप माला माते टीला, जग ठगने को स्वांग बनाया, स्वांग करने की ज़रूरत नहीं, अच्छा कर्म अच्छा कार्य, भले राजनीति हो भले धर्म धार्मिक कार्य हो, पवित्र विचारों का होना चाहिए, मानव हित कल्याण के विचारों का होना चाहिए। यही संदेश मेरा आप सब लोगों को है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ने कहा कि नशा के कारण बहुत ही हमारे को नुकसान होती है, इसलिए उन्होंने कहा रविदास मदिरा क्या पीजिए, चढ़े चढ़े से उतरे, राम नाम रस पीजिए, चढ़े तो कभी ना उतरे। गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि आप ये नशा ऐसी क्यों कर रहे हो, रात को पीते हो सवेरे उतर जाती है, लेकिन परमात्मा पावर का शक्ति का नाम जपो और उसके साथ अपना रिश्ता रोको, वो नशा जब तक आप रहोगे तब तक रहेगी। लेकिन गुरु रविदास का राम दशरथ का पुत्र नहीं है, उनका जो राम है
अखंड विश्वव्यापी है, घट घट के अंदर निवास करता है, वो कभी पैदा होता और मरता नहीं है, वो अजर अमर राम है, कल भी था आगे भी रहेगा आज भी है। उस शक्ति पांच तत्वों की पावर, उस शक्ति को गुरु रविदास जी ने परमात्मा को नाम दिया है, उसी के साथ जुड़ने का समाज को संदेश दिया है। जीवन अपना बहुसागर पवित्र जीवन बनाकर इसका बहुसागर पार करने का संदेश उपदेश दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।